गुड मॉर्निंग क्लास, आज का हमारा टॉपिक है वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम HTML वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, मैं आपको आज बता रही हूँ HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी हमें वेब पेजेस पे अगर टेबल क्रिएट करने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं टेबल्स के लिए। टेबल्स क्या होते हैं, दिस इज़ द टेबल विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम, वी हैव टू क्रिएट दिस इज़ अ टेबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML में हम क्या करते हैं, टेबल टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस तरह के डेटा रोज़ चाहिए, अगर मुझे रोज़ चाहिए तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी, TR टैग। ठीक है, अगर मुझे रोज़ चाहिए, जितनी रोज़ चाहिए उतने TRs टैग यूज़ करना है। अगर दो रोज़ चाहिए तो आपको दो बार TR टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है TH मतलब टेबल हेडिंग्स। हेडिंग के लिए जब आपको टेबल्स की हेडिंग देनी हो, जैसे नेम, ठीक है, क्लास, ये इस तरह की आपको हेडिंग देनी है तो वी यूज़ TH टैग। तीसरा टैग होता है हमारे पास मेन, तीन टैग होते हैं हमारे पास। तीसरा टैग होता है हमारे पास डेटा। अगर मुझे इन कॉलम्स में कोई एंट्री फिल करनी है तो आई विल यूज़ दिस टेबल डेटा, आई विल यूज़ दिस टैग दैट इज़ टेबल डेटा। ठीक है, ये मेरे पास तीन तरह के टैग्स होते हैं, व्हाट इज़ TR, TH एंड TD। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़ करके देखते हैं, जैसे कंसीडर अगर मैं कोड बनाऊँ, एक एग्जांपल से देखते हैं HTML। ठीक है, HTML कोड यूज़ किया मैंने, इस पर कोई बॉडी कुछ नहीं लगा रही हूँ, सॉरी, बॉडी टैग तो यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी टैग। ठीक है, मैं टाइटल वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ इसमें। एक मैंने टैग यूज़ किया टेबल टैग यूज़ किया मैंने। ठीक है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ TR टैग मतलब रोज़, मुझे कितनी रोज़ चाहिए और रोज़ में मुझे क्या चाहिए। मुझे TD चाहिए जिसमें लिखा हो नेम, ठीक है, जिसमें लिखा हो नेम। ठीक है, साथ में ही TD टैग बंद। एक और मुझे TD चाहिए, मतलब टेबल का डाटा, ठीक है, जिसमें लिखी हो क्लास, ठीक है, और TD टैग बंद। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, TR टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। टेबल को भी क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, और HTML को भी क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, अब देखो आउटपुट क्या आएगी, एक ही रो है, मैंने एक ही TR यूज़ किया है, तो एक ही रो आएगी। उस एक ही रो में दो मैंने डाटा एंट्रीज डाली है, मतलब एक में मैंने डाली है नेम, एक में डाला है मैंने क्लास, ये मेरी आउटपुट होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टेबल टैग शुरू किया है। ठीक है, मैंने एक TR टैग लगाया और एक मैंने लगाई TH हेडिंग, ये दिस इज़ फॉर TH हेडिंग, जिसमें मैंने लिखा नेम, ठीक है, TH बंद। एक मैंने एक और TH लगाया है जिसमें लिखा है मैंने मार्क्स, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द योर टेबल, योर रोज। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं लगा रही हूँ, मैंने एक रो बंद कर दी है, मैंने एक TR बंद कर दिया। ये एक रो बन गई। अब मैं दूसरी रो स्टार्ट कर रही हूँ TR, जिसमें अब मैं हेडिंग नहीं डाटा डाल रही हूँ, जिसमें मैं लिखूँगी ABC नेम हो गया, तो इसको बंद। ठीक है, एक मैंने एक और रो डाल दी, रो में डेटा एंट्री डाल दी, इसमें मैंने नाम लिख दिया है XYZ, ठीक है, TD, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूँगी मार्क्स है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 95, ठीक है, 95। एक मैं दूसरी रो बंद, एक रो बंद, ठीक है, ये एक रो का डाटा, ये दूसरी रो का डाटा। फर्स्ट रो में तो मैंने हेडिंग डाली, दूसरी रो में मैंने क्या डाला है, डाटा डाला है,
एक मैं एक और रो रेडी करूँगी CR, ठीक है, उसमें मैं डाटा डालूँगी, कोई भी एंट्री डाल सकते हो, XYZ, ठीक है, ये DD बंद। एक और है ना, एक और कॉलम है, ठीक है, इसमें मैं डाटा डालूँगी 85, ठीक है, तो ये भी टैग क्या हो गया, बंद। साथ में तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। टेबल टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। अब आउटपुट देखो क्या आएगा, देखो कितनी बार मैंने TR यूज़ किया है, 1, 2, 3, तो मेरे पास कितनी रोज आ जाएंगी, ठीक है, ये 3 रोज आ गए मेरे पास। सबसे पहले TR टैग में मैंने क्या यूज़ किया है, हेडिंग, तो हेडिंग अगर हेडिंग यूज़ करनी हो तो थोड़ा सा बोल्ड लिखा आएगा, ठीक है, मार्क्स, क्योंकि मैंने 2 TD टैग्स लगाए हैं, 2 TH टैग्स लगाए हैं। फिर दूसरी रो में क्या आएगा, एंट्री क्या आ जाएगी, ABC, और मार्क्स क्या आएंगे, 95, ठीक है, इसमें एंट्री क्या है, XYZ, और मार्क्स क्या आएंगे, 85, ये आपकी आउटपुट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, उसके बाद हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्या है, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है। सबसे पहला हमारे पास होता है बॉर्डर, बॉर्डर टैग, ठीक है। बॉर्डर टैग में आप क्या करते हो, सिंपल टेबल के साथ, टेबल टैग पे आप बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर इक्वल्स टू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दो, जैसे मैंने 5 दे दी है, ठीक है, तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, और टेबल टैग बंद, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है हाइट और विड्थ, ये भी टेबल टैग के साथ हम यूज़ करते हैं, टेबल टैग यूज़ किया, ठीक है, हाइट आप दे सकते हो, कुछ कोई भी हाइट दे दो, जैसे 400 हाइट दे दो, विड्थ दे दो, आप कोई भी 20 विड्थ दे दो, ठीक है, ये आप टेबल टैग के अंदर दोगे, ये एट्रीब्यूट्स का है, टेबल टैग की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसी तरह टेबल टैग फिर बने। देन उसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट्स। अब अलाइनमेंट्स कैसे सेट करोगे आप, अलाइनमेंट्स के लिए जैसे आपने क्या किया है, जैसे टेबल यूज़ किया, अलाइन डाल दी सेंटर, मतलब अलाइनमेंट आप कोई भी दे सकते हो, अलाइन टेबल के साथ अलाइन कोई भी दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आप कोई भी दे सकते हो, ये है आप टेबल टैग के साथ आप क्या करोगे, बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक, जैसे मैंने पिंक दे दिया है, ठीक है, तो टेबल का कलर क्या आ जाएगा, पिंक, ये जो सारी हैं। फिर उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है, जैसे ये टेबल है, सेल्स जो होंगे, जैसे ये मैंने बनाया है, एक सेल ऐसे होएगा, दूसरा सेल यहाँ इसके साथ नहीं स्टार्ट होगा, थोड़ा स्पेस लेके स्टार्ट होगा, ये होगा दूसरा सेल, ठीक है, उसी तरह तीसरा सेल भी क्या होगा, थोड़ा स्पेस लेके स्टार्ट होगा। तो इसका हम कैसे करते हैं, जैसे टेबल टैग यूज़ किया, टेबल, ठीक है, सेल स्पेसिंग लगाया, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5, ठीक है, और सेल पैडिंग इक्वल टू 5, ठीक है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को, सेल स्पेसिंग तो हो गया कि सेल्स में स्पेसिंग क्या है, और पैडिंग का मतलब होता है, सेल पैडिंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन पिक्सल बिटवीन सेल एंड बॉर्डर एंड सेल कंटेंट, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब हो गया कि सेल में स्पेसिंग क्या है, और पैडिंग का मतलब हो गया कि जितने भी आप पिक्सल यूज कर रहे हो वो आपको दिखने चाहिए, मतलब ये स्पेस जो है वो आपका दिखना चाहिए, ठीक है, जितना भी आप स्पेस यूज़ कर रहे हो सेल स्पेसिंग, वो आपको विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं किसके, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, ठीक है। आप बॉर्डर यूज़ करते हो, बॉर्डर मतलब आपका बॉर्डर, ये जो ये है आपका जो टेबल के, ये बॉर्डर कितना
बॉर्डर कैसा है, ठीक है, बॉर्डर आता है आपके पास। फिर उसके बाद हाइट, टेबल की हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, हाइट अगर इतनी है या विड्थ कितनी होनी चाहिए टेबल की, वो आप डिफाइन करते हो। अलाइनमेंट टेबल सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए या फिर राइट में होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर, जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है मतलब वो आप सेट करते हो। उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग, जो टेबल में सेल्स होते हैं उनमें आपस में कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज़ अभी तो हमने सिर्फ टेबल्स के, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स किए हैं। अब हम एट्रीब्यूट करेंगे TR टैग के और TH टैग के। TD टैग के और TH टैग के, दोनों के एट्रीब्यूट सेम हैं। जस्ट अ मिनट। TR टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? अलाइन, ठीक है, अलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद BG कलर होता है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको टेबल टैग में बताए, मतलब आप TR टैग के साथ क्या यूज़ करोगे इस तरह की। जैसे यहाँ पे TR यूज़ किया आपने, साथ में दे दिया अलाइन, ठीक है। कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हो, बीजी कलर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर वही एट्रीब्यूट्स TH टैग के हैं, अलाइन, बीजी कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। वही सेम एट्रीब्यूट्स आप TD टैग के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं TR टैग के और ये एट्रीब्यूट्स है TH टैग के और TD टैग के। टेबल एट्रीब्यूट्स के टैग मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। अब आप इसका मुझे एक एग्जांपल, ये सारे टैग यूज़ करके, ये जितने भी मैंने टैग्स करवाए हैं इन सबको आप यूज़ करके मुझे एक असाइनमेंट सेंड करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आप टैग यूज़ करोगे और एक टेबल बनाओगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।